युद्ध हुआ तो उसका भयानक परिणाम हमारे सामने ही होगा। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उसके पास खोने को कुछ नहीं है। दोनों देश परमाणु हथियारों से संपन्न देश है। 1971 के बाद भारत ने सच मायने में युद्ध नहीं देखा। हाँ, बीच में छोटा युद्ध कारगिल का हुआ। हम भारतवासियों को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को कहा था कि उनकी पार्टी ने जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी हमले में शहीद हुए 42 CRPF जवानों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा था कि प्रधानमंत्री व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैलियां सहित सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। संबित पात्रा ने मीडिया से कहा, हम एक संदेश देना चाहते हैं, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि हम राष्ट्र के साथ हैं, लेकिन देश के विकास कार्य तेज गति से जारी रखे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी को शुक्रवार को इटारसी और धार में एक चुनावी रैली को संबोधित करना था, जबकि अमित शाह का ओडिशा और छत्तीसगढ़ में राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन इन सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि मोदी और शाह सहित बीजेपी के शीर्ष नेता आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रैलियां और अन्य राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के झांसी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस रैली को संबोधित कर साबित कर दिया कि उनकी पार्टी की चुनावी रैलियों को रद्द करने की खबरें सच से बहुत दूर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उसके कुछ देर बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के झांसी में एक रैली को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय मंत्री उमा भारती व उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। इस रैली को संबोधित करते पीएम मोदी ने 2014 में अपनी पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद दिया और उनसे आने वाले दिनों में भी वही आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। गौरतलब है कि पुलवामा में गुरुवार को जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से CRPF जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें 42 जवान शहीद हो गए जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, अब कोई आलाने फलाने की सरकार भी नहीं है। दिल्ली में बहुमत की सरकार है। एक के बदले 10 शर लाने वाले 56 इंच की पीढ़ियों के पास सारे पावर है और नारंगी कीड़ों का कहना है कि सरकार को कुछ मत कहो, कुछ मत पूछो।